योर सब गाइस वेलकम बैक टू आर्टिस्ट केमिस्ट्री रीयूनियन। सो गाइस आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं संजू द लाइफ वॉरियर इंडियन गार्डन सीडी के सीरीज को। तो जैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को भी लाइक करना चाहिए, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्योंकि आज अगर आप लोग ना होते तो शायद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाता। तो चलो अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज अपना वापस से वही भद्दा सा काम, ट्रांसपोर्टेशन का पैसेंजर्स को। ये देखो अपने आज अपने फ्लैट की ही एक लेडी आई है अपने गाड़ी में, हमको इसे विलेज को लेकर जाना है, तो अपने चलते हैं वापस से। तो मैं अभी चलता हूँ सीधे विलेज की तरफ, चलकर आप लोगों से मिलता हूँ बाद में जल्दी से। तो ऑलराइट गाइस, मैं विलेज में आ चुका हूँ, तो यहीं पर सामने इसका घर है, तो मैं इसको यहीं पर उतार दूंगा। उतार कर इसके साथ सारा पैसों का झमेला ख़त्म कर आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहीं पर हमारे गाड़ी को पार्क कर देते हैं और इसको जल्दी से गाड़ी से उतार देते हैं। तो ऑलराइट गाइस, मैंने इसको गाड़ी से उतार दिया और इसने मुझे पैसे वगैरह सब कुछ दे दिया। तो अभी चलते हैं यहाँ से सिटी की तरफ वापस से जल्दी। तो ओके, हमारे गाड़ी का फ्यूल अभी ख़त्म हो चुका है सिटी में आते आते, तो अभी थोड़ी ही देर में गाड़ी बंद होने वाली है, तो जल्दी से मुझे पेट्रोल पम्प जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फुटपाथ वगैरह से गाड़ी को ले जा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल की कमी बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो ओके, यहीं पर मैं अपने गाड़ी को पार्क करता हूँ, पार्क नहीं, यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप में गाड़ी को रख देता हूँ। रख कर मैं थोड़ा सा सामने की तरफ टहलने जाऊँगा, तब तक ये लोग अपना फ्यूल वगैरह भर देंगे गाड़ी में। तो ओके, अभी चलते हैं सामने की तरफ थोड़ा बहुत टहलने। तो जल्दी भगते हुए जाते हैं और वहाँ पर वो बंदा फ्यूल वगैरह भर भी देगा वैसे भी, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन भाई वहाँ पर कौन सी गाड़ी खड़ी है, आई थिंक सो कि वो स्कॉर्पियो है। आज थोड़ा सा सामने जाता हूँ भाई, ठीक से दिख नहीं रहा। तो ठीक है, ये स्कॉर्पियो का S11 वेरिएंट है, काफ़ी अच्छी गाड़ी, मुझे लेनी थी लेकिन अपने औकात नहीं है भाई। चलो भाई, औकात नहीं जिसकी, हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं उस गाड़ी को, जल्दी चलो। तो चलो अपना सफारी का जो फ्यूल है वो भी अभी तक शायद से उन लोगों ने फिल कर दिया होगा। तो ओके, अभी हम लोग चल रहे घर की तरफ जल्दी से। तो आज 5 साल हो चुके और रोज़ मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता और मैंने काफ़ी सारा पैसा जमा कर लिया है, तो अभी मैं फाइनली स्कॉर्पियो को ले सकता हूँ। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना पैसा आ चुका है कि मैं इसको कैश खरीद सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी ये सफारी बेचनी पड़ेगी तभी जाकर मैं अपने ड्रीम कार स्कॉर्पियो को खरीद सकता हूँ। तो ये रहा इसका शोरूम, तो जल्दी से इसके पार्किंग लॉट में गाड़ी को पार्क करके जल्दी से चलते हैं इसके शोरूम के अंदर, वहाँ पर जाकर सारा पेमेंट का मैटर सॉल्व करके बाद में हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। तो उतरते हैं गाड़ी से, उतर कर अभी फटाक से चलते हैं अपने मैनेजर से बात करने। तो इस तरफ को चलते हैं जल्दी फट से। अबे यार, मुझे इस तरफ नहीं भाई, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वॉल लगाते, तो मैं अभी जल्दी से जाकर शोरूम के मैनेजर के साथ बात करता था। तो ऑलराइट गाइस, अपने स्कॉर्पियो का डिलीवरी हो चुका है और मैंने उनके साथ बात करके उनको पैसे वगैरह सब कुछ दे दिया है, पेमेंट का मैटर मैंने सॉल्व कर दिया, अपने सफारी को भी बेच दिया है। तो अभी आप लोग मेरे साइड में देख पा रहे हो, इन्होंने अपने स्कॉर्पियो के गैराज में खड़ी कर दी है और ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये वाला कलर बाय कर लिया है। आप लोग को कैसा लगा ये कलर कमेंट्स में ज़रूर बताना, पसंद नहीं आया तो हम लोग ज़रूर इसको कलर को चेंज कर देंगे। तो अभी चलते हैं इसको लेकर, और उससे पहले मैं आपसे लोगों को इसके थोड़ी सी झलक वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो इसके हेडलाइट्स काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद है इसके हेडलाइट्स वगैरह। अभी इंडिकेटर्स, अबे सामने के इंडिकेटर्स क्यों नहीं चल रहे भाई, शोरूम के मालिक को कंप्लेन देनी पड़ेगी भाई, ठग दिया भाई, चूना लगा दिया भाई लिटरली में। और ये देखो आप लोग, अपने इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है, दिख नहीं रहा, अच्छा खासा इंटीरियर है इसका। तो अभी इसको लेकर चलते हैं फाइनली शोरूम से बाहर। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। तो फाइनली हमने एक न्यू कार परचेज कर ली है, तो अभी फट से चलते हैं अपने विलेज की तरफ, वहाँ जाकर पापा को दिखाता हूँ गाड़ी कि मैंने भी खुद
पैसे कमाकर अपने लिए गाड़ी खरीद ली है। तो जल्दी से चलते विलेज की तरफ। तो ओके, तो गाइज मैं विलेज में आ चुका हूँ। अभी आप लोग कहोगे कि मेरा घर तो पीछे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ? यहाँ पर मैं ड्रिफ्ट चेक करने आया हूँ कि गाड़ी ड्रिफ्ट कैसे मारती है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट मारती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इसकी ड्रिफ्टिंग भी। तो अभी चलते घर की तरफ। और ये देखो, ये बंदा डर के मारे गाड़ी को पीछे ले जा रहा है, कितनी खतरनाक गाड़ी है, सोच रहे हो? तो अपने घर चलते हैं जल्दी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने उस जेसीबी के पीछे रख देते अपने गाड़ी को, सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं अभी जल्दी से जाकर अपने गाड़ी को पार्क करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो ओके, तो गाइस मैंने अपने गाड़ी को पार्क कर दी यहाँ पर। तो आई होप आपको अच्छी वाली वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं तो आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये कलर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।